फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर। देखिए, ये मेरा थर्ड लेक्चर चल रहा है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा ये फाइनल लेक्चर है। इसकी पीडीएफ फाइल मैं कमेंट के अंदर दे रहा हूँ, जिसकी मर्जी है पीडीएफ भी देखें और साइड टू साइड जिसको जिसका मन है लेक्चर देखना वो लेक्चर भी देख सकता है। वो आप मैं दोनों तरफ से ऑप्शन दे रहा हूँ। हमारे सेशन टू कम्प्लीट होगा आईआर का, इसके बाद फिर हम होल्ड करेंगे, फिर हम सोशल पॉलिटी थोड़ा सा चलेंगे, फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आऊँगा कुछ माइंड मैप के थ्रू। आपको माइंड मैप के थ्रू मैं गवर्नमेंट स्कीम्स कराऊंगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं भी बिजी था, जैसे कुछ दिन लेक्चर्स नहीं पोस्ट आए, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो अब हम दोबारा एक्टिव हुए हैं और हम आपको बैक टू बैक लेक्चर्स देंगे। तो चलिए फिर आज फाइनल लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें निकल के आई थी हमें लास्ट के 3 महीने के अंदर। तो एक हाल ही के अंदर एक आपने देखा हो जनवरी के मंथ के आसपास, दिसंबर जनवरी के मंथ के आसपास, तो एपेक समिट बड़ी फेमस हुई थी। देखिए, एपेक इसकी फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये एपेक पे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है इस बार या तो एशियन से क्वेश्चन जरूर बनेगा या फिर ESA से जरूर बनेगा और प्लस एपेक से, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। तो इसको तो रट्टा मार लेना बॉस, सच बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा साइड टू साइड, साइड बाय साइड, या फिर MCTR से बन सकता है, NSG से बन सकता है। अभी जो हाल ही में जो सारे ग्रुप्स हुए हैं वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स जो आपके हैं NSG से रिलेटेड, वो सारे के सारे उनको रट्टा मारेगा। यहाँ से दो क्वेश्चंस हैं जरूर, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको यहाँ पर कंफर्म, गट फीलिंग है, मैं ये कह सकता हूँ। तो एक तो ये चीज़ को जरूर याद रख लिया। खैर, तो देखिए एपेक जो अगर बात करें तो एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन से रिलेटेड है। इसकी सबमिट जो हुई थी वियतनाम के अंदर हुई थी, वियतनाम लास्ट में भी इसकी मैपिंग भी करेंगे हम कि वियतनाम किधर है। तो ये इसकी जो देखिए, अब एपेक हुआ, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि भाई एपेक के अंदर ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो है मेंबर नहीं है। हमें बस ये एक तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, और इसमें जो सबमिट हुई थी इसकी थीम क्या है हमारे लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है। तो इसकी जो थीम थी क्रिएटिंग न्यू डेनिज्म फॉरेस्ट्री शेयर फ्यूचर के, जो इसकी थीम का जो नाम था। और नेक्स्ट ईयर जो एपेक की जो सबमिट होगी वो पपुआ न्यू गिनिया में होगी। इस चीज़ को भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक कमेंट के, एक कॉर्ड के तौर पे यहाँ पे दे दे कि भाई नेक्स्ट ईयर सबमिट होगी वो यहाँ पे होगी, या फिर अलग नाम चेंज करके दे सकते हो, तो कन्फ्यूज़न हो सकती है कहीं ना कहीं, फिर 50-50% का जो क्रॉस गेम यहाँ पे चल सकता है। तो इस चीज़ को जरूर यहाँ पे भी, इस चीज़ को, इस वर्ड को भी जरूर याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। तो अब देखते हैं, ठीक है वियतनाम हुई, अब थोड़ी साइड में थोड़ी सी मैपिंग करते हैं कि वियतनाम का फंडा क्या है, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, वियतनाम अगर बात करें तो साउथ चाइना सी के अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए वियतनाम क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि भाई क्या लाओस, देखिए लाओस जो है ध्यान रखिएगा ये लैंड लॉग कंट्री है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन निकाल दे, या फिर कंबोडिया से निकाल दे कि क्वेश्चन की भी कंबोडिया के कौन कौन सी कंट्रीज के साथ इसके अगर बात करें तो इसके शेयर बॉर्डर्स करते हैं, तो थाईलैंड लाओस, क्योंकि देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड और लाओस यहाँ पे मिल रहा है, साइड है वियतनाम भी है। और ये क्या, फिर ये भी बोल सकते हैं कि कंबोडिया क्या फिर इस साउथ चाइना सी के अंदर खुलता है, तो आंसर होगा नो, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए साउथ चाइना सी की तरफ इसका जो मुँह नहीं खुलता। तो इस तरह की मैपिंग आपको हमेशा करनी है, और करंट अफेयर की मैपिंग कीजिए। देखिए ओल्ड मैपिंग आप कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि अब उस तरह के पैटर्न्स नहीं आ रहे, तो मेहनत करेंगे आप बट रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो बेटर है कि जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उन्हीं पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करें, तो आपकी चीज़ें और दमदार तरह से निकलेंगी। तो देखिए एपेक के कुछ इस तरह के अगर आप देखें थोड़ा सा, तो कुछ ये ओवरऑल कंट्रीज़ हैं, आप इसमें से मैं पॉज कर दे फिर भी चलो बता देता हूँ एक बार। देखिए एपेक के अंदर हमें ये चीज़ देखिए 1989 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आपस में जुड़ी, ये सारी की सारी कंट्रीज जुड़ी, फिर 91, 93, 94, 98, ये कुछ सिस्टमेटिक चीज़ें हैं, तो आप इसको अपने फिगर्स के थ्रू देख लीजिएगा। तो ये ओवरऑल जो एपेक के अंदर हम चीज़ें जो देखते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे जो इंडिया है ये ब्लैंक, एक चीज़ और यहाँ पे कुछ फिगर्स के अंदर जो है मैप सही नहीं दिखाया गया, तो बट यहाँ पे बोलते भैया कश्मीर इज़ द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, था है और हमेशा रहेगा। खैर, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और चीज़ों को थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं अबाउट द एपेक से रिलेटेड, कि एपेक है क्या एक्चुअली। देखिए एपेक इज़ अ रीजनल इकोनॉमिक फॉर्म है बेसिकली, देखा जाए तो ये एक रीजनल फॉर्म है। अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को और समझे तो कहीं ना कहीं ये WTO को बाईपास भी करता है। बाईपास इन द सेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है दोस्तों कि देखिए WTO के जो इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको बाईपास कर देता है, क्योंकि आपस में ये एक इकोनॉमिक फॉर्म होता है, आपस में ये सहभागिता के तौर पे देखते हैं। इसकी जो फाउंडेशन होता है 1989 के अंदर हुआ था,
कुछ आज के समय अगर बात करें तो 821 मेंबर्स के आसपास हमें जो देखने को मिलते हैं, वही है कि ग्रेटर प्रोस्पेक्टिविटी फॉर द पीपल, कि आपस में जो जो अगर बात करें तो प्रोमोटिंग बैलेंस, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव, सिक्योर ग्रोथ आपस में लेके चलना। बट कहीं ना कहीं फिर डंपिंग का इशू भी आता है, काउंटरवेलिंग का इशू भी आता है, वो हम इकोनॉमिक सेशन में हम देखने की जो है कोशिश करेंगे। तो बस इस चीज़ को जरूर याद रखना है कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एपेक येट। अभी तक कोशिश कर रहा है इंडिया, लेकिन अभी भी जो है इंडिया जो है एपेक का जो है मेंबर यहाँ पे नहीं है। तो यही है ओवरऑल एपेक के बारे में, इससे ज़्यादा और कुछ खास है नहीं फ्रेंड। अब इसके बाद एक और समिट हुई थी भी, 31st एशियन समिट हुई थी, और प्लस क्वैड। क्वैड क्या होता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी हुआ यहाँ पे ये हुआ था कि देखिए अभी एक जो एशियन 31st जो समिट हुई थी, अगर देखें थोड़ा सा, तो ये मनीला फिलीपींस के अंदर हुई थी। फिलीपींस है तगैलो, जिसके वहाँ की लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज। तो जब मनीला के अंदर जब इसकी जब हुई थी, तो ऑफकोर्स तो ये चीज़ भी हमारी कहीं ना कहीं सुर्खियों के अंदर बनी हुई थी। तो इस वजह से हमें एशियन, यानी एशियन की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इस चीज़ को जरूर आप याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। और तो जब ये समिट हुई तो मनीला फिलीपींस के अंदर हुई, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे एक फॉर्मल, एक बात करें एक ऑफिशियल लेवल के तौर पे एक हमें कॉलेशन मिला क्वैड का। देखिए क्वैड क्या है, बेसिकली फुल फॉर्म है ये चार कंट्रीज़ का, फोर कंट्रीज़ का ये बेसिकली देखें तो फुल फॉर्म है, जिसके अंदर आपका जापान, इंडिया, USA एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इनके आपस में मिली भगत है, मांडवी बाप बोल सकते हो इसको, मिली भगत करके इन्होंने अब ये चार कंट्रीज आपस में जो एक समझौता कर रही हैं, और इन्होंने ये बोला है कि ठीक है भाई, हम ये चारों कंट्री मिलके हम चाइना की बजाएंगे अच्छे से। तो ये ओवरऑल क्वाड की फुल फॉर्म है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाए कि भाई हाल ही के अंदर क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। क्यों, देखिए दोस्तों मैं क्या है, मैं प्रिम्स के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, आप मेंस के रिलेटेड से मुझे कुछ मत समझिएगा, बाकी मेंस में बहुत कुछ है पढ़ाने को और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी मेंस के अंदर। कोशिश करेंगे मेंस से रिलेटेड सीरीज लेके आए, बट अभी मैंने तो अपने आप को सीमित कर रखा है, सिर्फ प्रिम्स से रिलेटेड कर रखा है कि प्रिम्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें यहाँ से आ सकती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, देखिए इसी के बाद फिर और एक चीज़ निकल के आई इसके अंदर, देखिए एशियन +3 और प्लस ईस्ट एशिया समिट भी हमारे कहीं ना कहीं चीज़ें जो है निकल के आई। तो देखिए एशियन +3 के अंदर वही सब चीज़ें, जिसके अंदर अगर बात करें एशियन +3 को आप चीज़ों को समझना होगा कि देखिए इसके अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, इसको हम बोलते हैं एशियन +3 कंट्रीज, ध्यान रखिएगा। तो एशियन +3 कंट्रीज के अंदर अगेन रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान और साउथ कोरिया जो है इस चीज़ को जो है आपस में देखने की जो कोशिश यहाँ पे करते हैं। चलिए फिर थोड़ा सा मैपिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मैपिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट कि देखिए, क्योंकि दोस्तों एशियन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है, जो मेरे सेशन 1 चला था उसमें मैंने काफ़ी डेप्थ के अंदर बताया है। तो जस्ट यहाँ पे तो जस्ट मैं यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बस मैं उन्हीं को यहाँ पे जो कवर करने की यहाँ पे जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी तक हमने एपेक पढ़ा था, एपेक के अंदर थोड़ा सा एक रिकैप करते थे कि ये कुछ इसका मैप मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया था, तो जिसके अंदर ध्यान रखिए 21 इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं कवर करता है, अगर आप देख सकते हैं ओवरऑल 55% वर्ल्ड GDP और 44% ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड को भी कवर करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एपेक जिसके अंदर इंडिया चाहता है कि मुझे एक सीट मिल जाए, तो एक तो ये हमें जिस वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। अब आते हैं एशियंस कंट्री, देखिए 10 कंट्रीज़ के हिसाब से बन के मिल के आता है। अब इसके अंदर कुछ ये कंट्रीज़ हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, आपका फिर सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, और आपका ये एक दूसरी कंट्री है ये देख लीजिएगा। तो ये ओवरऑल हमारे जो कंट्रीज़ निकल के आती हैं जिसके अंदर 2.4 ट्रिलियन GDP है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ चाइना की जो भी GDP है उससे रिलेटेड है, और कुछ कम से कम नहीं तो 600 मिलियंस पीपल्स हैं, यानी कि 1 मिलियन पीपल के अंदर ध्यान रखिएगा दोस्तों 10 लाख लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एपेक भी इंपॉर्टेंट, एशियन भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखता है, तो जिस वजह से इस चीज़ को जरूर याद है। बाकी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स फ्रेंड्स देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी कुछ देख रखा है, उसमें मैंने काफ़ी डेप्थ में बता रखा है एशियंस के बारे में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट स्लाइड्स को देख लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स फिर इसी की जैसे ईस्ट एशिया समिट भी एक आता है। देखिए ईस्ट एशिया समिट में जैसे ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि ईस्ट एशिया समिट के अंदर जो है इंडिया इज़ द मेंबर। बस देखिए एशियन के अंदर और साथ में एपेक के अंदर जो है इंडिया मेंबर नहीं है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। और ईस्ट एशिया समिट के अंदर ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो है मेंबर है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन
पॉइंट बन जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए भी हैं। देखिए क्या है ये, इज आल्सो ये पैन एशियन फॉर्म है और कहीं ना कहीं ये 18 कंट्रीज के इंक्लूडेड एशियन प्लस 8 कंट्रीज, यानी कि जिस देखिए एशियन तो है ही हैं, जो एशियन कंट्रीज थी वो तो है ही हैं, प्लस 8 कंट्रीज को इंक्लूड करके ये ईस्ट एशिया समिट यहाँ पे इन्होंने बना दिया। स्पेशली यही है ओवरऑल कि इसमें कहीं ना कहीं जो सुपीरियर होते हैं वो एशियन के लीडर ही आगे आते हैं, बट जो 8 कंट्रीज़ हैं उस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर फिर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साइड टू साइड अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट और रशिया को भी इसके अंदर 2011 के अंदर जो है इसे सीट मिल गई। देखिए अब इनके काम क्या, वही भाई इकोनॉमिक ग्रोथ लाना, प्रोस्पेक्टिव लाना और सर्विस सेक्टर खोलना, इंडिया के प्रोडक्ट्स वहाँ तक पहुँचना, तो ये सब चीज़ें ईस्ट एशिया समिट के अंदर हमें चीज़ें जो है देखने को हमें मिलती हैं। अब इसी के जैसे अभी हाल ही के अंदर देखिए 25th एनिवर्सरी ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, यानी कि एशियन की अगर बात करें वो 25th एनिवर्सरी भी अब देखने को मिली। तो देखिए जब फर्स्ट एनिवर्सरी हो जाए, फिफ्थ हो जाए, 10th हो जाए, 15th हो जाए, 25th हो जाए, 50th हो जाए, तो ये हॉट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि अभी हाल ही के अंदर रिसेंटली समिट हेल्ड हुई 25th एनिवर्सरी की अगर बात करें तो एशिया की इंडिया डायलॉग रिलेशनशिप जो है न्यू दिल्ली के अंदर हुए, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुए, कुछ ऐसे पैक्ट्स अगर देखिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि भाई हाल ही के अंदर इट वॉज इन न्यूज़ बट इज़ द दिल्ली डिक्लेरेशन इट्स बिलोंग्स टू विच वन, तो ध्यान रखिएगा वो एशियन के साथ ही जो है कनेक्ट होता है। अब देखिए की फैक्ट्स ये है कि एशियन इज़ द इंडिया फोर्थ ट्रेडिंग पार्टनर इकोनॉमिक 0.2% ऑफ टोटल ट्रेड, ये कुछ ऐसे है फैक्ट्स थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है एक्सट्रीम फैक्ट्स भी आपको दे दें तो आप वहाँ से जो है चीज़ों को जो है एलिमिनेशन जो है आप कर सकें। फिर इसी की जैसे इंडिया इज़ द एशियन 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एज वेल एज, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। बाकी एशियन कंप्रोमाइज ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, तो ये एशियन कंट्रीज़ के नाम है, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा और आगे, और देखिए फिलॉसफी की अगर हम बात करें, बेसिक फिलॉसफी की अगर एशियंस की अगर कंट्री की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं इंडिया वांट्स टू इन्वॉल्व रिलीजन है वो आर्किटेक्चर है, तो उसके कहीं ना कहीं टू प्रिंसिपल्स के बारे में, शेयर सिक्योरिटी एंड शेयर प्रोस्पेक्टिविटी। देखिए एशियन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, इंडिया चाहता है कि मैं एक तरह से मैं अपनी सिक्योरिटी को भी सेव कर सकूं, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी आज के समय उथल पुथल साउथ चाइना सी के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो एक तो ये चीज़ आ गई साइड प्रोस्पेक्टिव, हाँ भी हमें बिजनेस मिलेगा, हमारे सर्विस सेक्टर को और बूस्ट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को में और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें साइड टू साइड। फिर आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन है, कल्चर हेरिटेज, ये सब चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो बेसिकली 3C यानी कि कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कल्चर पर ज़्यादा फोकस करता है एशियन अगर बात करें तो, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसी जैसे एशियन के अंदर थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करें तो हमें एक सागर चीज़ भी मिलती है जिसके अंदर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ फॉर ऑल इन द रिलीजन भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हो सकता है सागर वर्ड डाल के आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश करें, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। इट रिकॉग्नाइज द सेंट्रल रोल प्लेड बाय द सी एंड ओशियन अराउंड इंडिया एंड द एशियन रिलीजन इज प्रोमोटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन अ सिक्योर एंड स्टेबल इन्वायरमेंट। तो देखिए यही है कि देखिए सागर का मतलब ये है कि एक सेंट्रल रोल प्ले करना, स्पेशली जो सी है आसपास सराउंडेड, जो इंडिया एंड एशियन के आसपास जो सी है उसके प्रति, ताकि सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके, सबका विकास, सबका साथ वाला हिसाब किताब, वो सब चीज़ें जो एक साथ होए। तो ये इसी का ओवरऑल हमने बेसिक्स प्रिंसिपल्स भी हमने देखने की यहाँ पे जो है कोशिश करी और हमारे जो सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर भी हो गए। तो वही अगेन मैपिंग, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं जैसे कि इसके अंदर कि ये ओवरऑल जो मैंने ऑलरेडी चीज़ें देख लिया, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इंडिया एंड इसराइल हाल ही के अंदर काफ़ी न्यूज़ में था, बाद में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया के अंदर विजिट किया, काफ़ी कुछ चीज़ें भी हुई, इनके बच्चे भी आए, तो काफ़ी चीज़ें हुई। देखिए पहली बात तो अगेन इसराइल से रिलेटेड कुछ बेसिकली देखा जाए तो मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो जिस वजह से देखिए इसराइल है कहाँ, देखिए अगर ये चीज़ें देखें गल्फ है तो ये एक ओवर एक एरिया है, अगर बात करें लेबनान हो गया शायद में जॉर्डन के पास का एरिया, तो ये ओवर मेडिटेरेनियन सी के आसपास, ये तो सब चीज़ें जरूर याद रखें। ये तो रहा हमारा इसराइल। अब इसराइल से देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, ये बन सकता है या फिर कोई फेमस चीज़ें पूछ सकते हैं, या तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर
अगर पूछेगा तो फिर ये पूछेगा कि क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड यूपीसी में, तो कहीं ना कहीं हमारा ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो देखिए इसके बॉर्डर्स इसराइल के किस किस से लगते हैं। पहली बात देखिए, पहली बात ये कैप्चर टेरिटरी है, अगर बात करें तो इन्होंने कैप्चर किया फलस्तीन को, और फलस्तीन बेचारे आज भी संघर्ष कर रहे हैं अपने देश को आज़ाद कराने के चक्कर में हैं। तो देखिए फलस्तीन का एरिया सिर्फ इतना ही रह गया, अगर आप ध्यान से देखें ये गाजा पट्टी हो गई और ये यहाँ पे ये हो गया। लेकिन इसराइल की अगर हम बॉर्डरिंग की अगर हम बात करें थोड़ा सा, देखिए इसके बॉर्डर्स लेबनान, सीरिया, जॉर्डन के साथ तो लगते लगते हैं, और साइड साइड बाय साइड क्वेश्चन है यहाँ पे क्या इसके एरिया, देखिए एक तो इजिप्ट के साथ लग लगता है क्या, क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, क्या सऊदी अरेबिया के साथ इसके जो है लगते हैं नहीं लगते हैं, तो ये आप मुझे जो बताए। बट इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लाइक देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे गोल्डन हाइट के नाम से फेमस है चीज़ें, और साइड बाय साइड अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चीज़ ब्लैक सी आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये अगर मैं बोलें तो सॉरी नॉट ब्लैक सी, इट्स दैट सी, ये एक दैट सी है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें हाई सेंसिटिविटी होती है, तो आपने सुना होगा मृत सागर जिसको कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है। तो ये ओवरऑल हमने मैपिंग भी कर ली, कुछ हमने फेमस गोल्डन हाइट और हमने दैट सी भी हमने देख लिया, और हमने ये भी क्वेश्चन मार्क निकाला कि सऊदी अरेबिया इसकी सीमा लगती है नहीं लगती, बॉर्डर लगता है नहीं लगता, ये चीज़ आप मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। क्या दोस्तों ये तो था ओवरऑल इंडिया इसराइल से रिलेटेड, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, देखिए इंडिया और इंडिया एंड स्पेन से रिलेटेड, चलिए फिर इंडिया एंड स्पेन के बारे में फटाफट हम चीज़ों को देखते हैं और चीज़ों को जो है समझने की जो कोशिश करते हैं फटाफट। देखिए इंडिया एंड स्पेन के अंदर भी हाल ही के अंदर कुछ एक एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है RRTS, जिसको हम कहते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। देखिए आज के समय अगर हम दिल्ली जैसे सिटी या फिर मेट्रो सिटी, चाहे मुंबई हो, चाहे मद्रास हो, बेंगलोर हो, या फिर हमारा कोलकाता हो, आज के समय वहाँ पर या फिर कोई और भी टाउन्स हो जो मेट्रो सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज के समय आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है। कोई 10 किलोमीटर का सफ़र कर रहा है तो 1 घंटा लग जा रहा है आज के समय, दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल हो रहा है दोस्तों। खैर मेट्रो में अगर आप मेट्रो में सफ़र नहीं करते हैं तो जिस वजह से एक तो ये एग्रीमेंट कि भाई RRTS है क्या, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, फिर या फिर क्वेश्चन बन सकता है स्पेन से रिलेटेड बन सकता है, अभी हाल ही के अंदर और देखा होगा कि यहाँ पे भाई यहाँ पे आंदोलन भी स्टार्ट हो गया इनको एक कंट्री से, कैटोलोनिया का आपने देखा होगा केस, कि हमने जो लास्ट वीडियोज़ में कवर किया था पुरानी वीडियोज़ में, तो जिस वजह से स्पेन में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है। तो देखिए स्पेन बॉर्डरिंग अगर देखें तो फ्रांस और पुर्तगीज के साथ लगता है, इसका ध्यान रखिए मोरक्को के साथ नहीं लगता है, यहाँ पे कौन सा सी आप मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें कवर कर ली, तो ये चीज़ कवर कर हो गई। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे यह है कि RRTS है क्या। देखिए अभी क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये चीज़ प्रोसेस चला है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चला है प्रोसेस, और RRTS एक लेके आया जिसका नाम था रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम। तो ये है क्या, इस चीज़ को हम देखेंगे कि फाइनली जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन फ्रॉम इंडियन साइड और ADIFF ऑफ स्पेन, इसके थ्रू जो है स्टार्ट हुआ। तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा NCRTC जो ज्वाइंट वेंचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, साइड टू साइड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और साथ में राजस्थान और हरियाणा दिल्ली, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। इस चीज़ को जो याद रखिएगा कि जो इसको जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ जो नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, इसके अंदर ध्यान से देखिएगा कि ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से बन सकता है। चलिए फिर थोड़ा और डेप्थ के अंदर RRTS को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से कि आखिर इसका मतलब क्या है, तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और खंगारते हैं डेप्थ के अंदर। देखिए फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा सा RRTS के बारे में अगर सोचें तो देखिए कहीं ना कहीं ये इंडिया का फर्स्ट टाइम का प्रोजेक्ट है जिसकी जो स्पीड होगी, जो इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन को ताकि जो 180 किलोमीटर के हिसाब से जो दौड़ाया जा सके, पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हवाबाजी है, नहीं पॉसिबल है, चीज़ें अगर सिस्टमेटिक हो तो डेफिनेटली हम जो है 180 to 200 किलोमीटर्स के हिसाब से हम जरूर हम जो सिस्टम को जो है हम चला सकते हैं। लेकिन इसके अंदर फिर टेक्नोलॉजीज इंक्लूड चाहिए कि देखिए इसके अंदर RRTS के अंदर देखिए अगर इसके अंदर ट्रैक स्ट्रक्चर, रोलिंग स्टॉक, ये सब सिग्नल सिस्टम सारे जो है RRTS के अंदर जो इंक्लूड किए गए हैं साइड टू साइड, इसमें देखिए एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस इन इंडिया, और ये टेक्नोलॉजी जो हाई स्पीड्स की अगर बात करें तो लिमिटेड इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ को साथ में लेके जो बनाया जाएगा, और इसके अंदर अगर अगर सच बताएं तो रोलिंग स्टॉक, सिग्नल सेफ्टी, मल्टी मोडल इंटीग्रेशन, स्टेडियम, ये सब चीज़ें जो हैं लेके
ये ले इसके अंदर जो बेसिकली लेके आएंगे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इस तरह से एक मैकेनिज्म तैयार करना ताकि जो स्पीड है 180 के आसपास जो चल चल सके पर घंटा, ताकि एक फास्ट टाइप की जो स्पीड, जो एक फास्ट स्पीड है जो उसको जो है किया जा सके। तो ये तो था ओवरऑल RRT के बारे में। अब देखिए थोड़ा सा अगर देखें तो RRTS के अगर हम देखें थोड़ा सा कि इसके अंदर देखिए तीन प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने स्पेन के थ्रू, इंडिया स्पेन के थ्रू जो सोच रहे हैं कि देखिए एक दिल्ली मेरठ स्मार्ट लाइन होगा, एक दिल्ली पानीपत स्मार्ट लाइन होगा और एक दिल्ली अलवर स्मार्ट लाइन होगा। तो ये एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बन सकता है MCQ के हिसाब से अगर थोड़ा सा डेप्थ के अंदर देखें तो। ये सब चीज़ें होगा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर होगा, विल बी द फर्स्ट कॉरिडोर टू इम्प्लीमेंट विच प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड जियो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स डिज़ाइन और सेफ्टी प्लानिंग। यहाँ ये दिल्ली गाजियाबाद जो मेरठ जो ये कॉरिडोर होगा बेसिकली फर्स्ट टाइप का इसका कॉरिडोर होगा, जिसके अंदर बाई प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी लाइक जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगा, डिटेल डिज़ाइंस होंगे, ताकि जो सेफ्टी के मतलब सेफ्टी मेजर्स को बहुत ज़्यादा ऊंचा रखा जाएगा और एक फास्ट स्पीड के तौर पे हम आगे चीज़ें हम देखने की जो कोशिश करेंगे। अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर देखें तो देखिए कुछ RRTS के अंदर हमें ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है कि देखिए स्पीड दिल्ली लेंथ 90, स्पीड देखिए 160 अभी इसका कोई क्वालिफाई नहीं हुआ है, टाइम कुछ सिर्फ मात्र 1 सवा घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी इसको आप मैंने इसमें देख आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए दोस्तों जिम्बाब्वे हाल ही के अंदर न्यूज़ में था कुछ, वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिला। देखिए जिम्बाब्वे पहले है कहाँ, बस की मैपिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए जिम्बाब्वे ये रहा पहली बात, तो मेरी चीज़ क्लियर हो गई। तो इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, देखिए जाम्बिया है, बोस्ताना है, साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, तो ये चार कंट्रीज़ हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देख रहे हैं अब, ये ले कानबा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये बॉर्डर बनाती है इसका जाम्बिया का और इसका जिम्बाब्वे का। तो इस चीज़ को जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बाकी इसमें से कुछ खास इसमें है नहीं, बाकी एक्सपेक्टेड तो नहीं है बट फिर भी मैंने ले लिया। और इसी की जैसे दोस्तों देखिए केनिया भी हाल ही के अंदर जो है सुर्खियों में काफ़ी ज़्यादा बना रहा, और अगर देखें केनिया के अंदर तो इसकी सबसे ज़्यादा वही है अगेन मैपिंग इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इथोपिया आ जाता है आपका, युगांडा आ जाता है, फिर आपका आपका ये कुछ सोमालिया आ जाता है, तो ये कुछ तंजानिया आ जाता है। तो ये कुछ चार कंट्रीज़ के साथ जो है घिरा हुआ है। इसमें जो अगर देखें तो इसके अगर लेक्स की बात करें तो लेक विक्टोरिया कहीं ना कहीं जो है अगर देखें तो केनिया को टच करती है और बॉर्डर भी बनाती है, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। बाकी इसमें तो कुछ खास है नहीं, और यही है कि लेक तुरकाना वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेक विक्टोरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस यही ओवरऑल इसके अंदर। और ये ध्यान रखिए केनिया जो है इक्वेटर से जो है पास होता है, तो ये ओवरऑल मैपिंग के अंदर हमें चीज़ें जो देखने को मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों अभी हाल ही के अंदर एक मॉस्को डिक्लेरेशन हुआ था, और बेसिकली देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए TV एंड मॉस्को डिस्कलेशन टाइप के न्यूज़ आ सकती हैं हमारी तरफ से अगर हम देखें तो। तो ये है कि देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भाई ग्लोबल मिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड रशिया में एक मीटिंग बुलाई, उसकी जो थीम थी एंडिंग TB इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज द मल्टीपल सेक्टर रिस्पॉन्स। इसकी थीम को जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और थीम वाकई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखती है। तो कॉन्फ्रेंस जब ये हुई थी कि भाई 2030 के अंदर भाई जो SSG का जो प्लान होगा वो यही होगा कि भाई एंड विद TB हम करेंगे अच्छे से, और TB को जो बिल्कुल ख़त्म करने की जो ट्यूबरक्लोसिस को जो हम ख़त्म करने की जो कोशिश करेंगे। तो यही था ओवरऑल जिस वजह से इंपॉर्टेंट है, एक रशिया के अंदर हुआ, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, और साथ में 2030 के अंदर ये जो एक मैप जो लेके चल रहे हैं दिमाग से। इसी की जैसे दोस्तों इंडिया भी हाल ही के अंदर अगर देखें तो 2020 के लिए अगर हम थोड़ा सा देखें तो 2020 के लिए कहीं ना कहीं इंडिया होस्ट करेगा 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस। तो इंपॉर्टेंट है जियोलॉजिकल वर्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड। बस आपको ये याद रखना 36 एडिशन 2020 के अंदर इंटरनेशनल ज्योग्राफी कांग्रेस जो है बेसिकली हेल्ड होगा, और जो ये होगा इट विल जॉइंटली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये दोनों के दोनों मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। और इसके अंदर का देखें तो नेशनल साइंस अकेडमी एंड साइंस अकेडमी ऑफ इंडिया नेबर कंट्री लाइक नेपाल बांग्लादेश पाकिस्तान और श्रीलंका, इसको भी जो इंक्लूड किया जाएगा। तो यही है ओवरऑल इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए 10th साउथ एशिया इकोनॉमिक समिट हुआ अभी हाल ही के अंदर। ये है क्या, देखिए साउथ एशिया इकोनॉमिक समिट बेसिकली
अगर देखें तो हेल्ड हुआ जो हुआ काठमांडू इन नेपाल के अंदर, इसकी जो थीम थी डिपेंडिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया, इसकी जो बेसिकली थीम थी। देखिए फ्रेंड्स, थीम थोड़ा याद करना मुश्किल भी होता है, बट जब आप क्विक रिविज़न करेंगे तो चीज़ें जो हैं याद हो जाती हैं। फिर साउथ देखिए, तो ये अबाउट, अगर देखिए अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझें तो ये लाइक डेवॉस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे कि एनजीओ है ये बेसिकली देखें तो उसी के तौर पे ये एक साउथ एशिया इकोनॉमिक समिट के तौर पे देखा जाता है इसको, कि हाँ इनोवेशंस टाइप की चीज़ें जो है करी जाती हैं ताकि प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि इसको और ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो स्टार्टेड जो हुआ देखिए 2008 के अंदर हुआ, अगर देखें स्टेक होल्डर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, रिसर्च, प्राइवेट सेक्टर्स, एकेडमिक, सिविल सोसाइटी के साथ रिसर्च जो है अगर बात करें तो पॉलिसी करता है, साइड टू साइड सार्क जो कंट्रीज है उनके साथ भी जो है आपस में जो है कोऑर्डिनेट करता है। तो यही था ओवरऑल इसके अंदर, ज़्यादा कुछ खास नहीं था फ्रेंड्स। बाकी देखिए मैंने आर्कटिक काउंसिल मैंने पढ़ा रखा है काफ़ी डेप्थ के अंदर अपने पहली वीडियो के अंदर, बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं। तो गाइज यही था ओवरऑल, हमारी चीज़ कंप्लीट हुई, आप वीडियो पीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई।